हेलो एवरीवन, मैं हूँ तारा और आप देख रहे हैं मेरा वाला शो। आज हम बात करेंगे मधुबनी आर्ट, मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में, जिसको मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। यह एक इंडियन पेंटिंग स्टाइल है। यह पेंटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स से बनाई जाती है, जिसमें ट्विक्स, टहनियाँ, फिंगर्स, ब्रशेस, निब पेन, माचिस की तिली या फिर नेचुरल कलर्स से तैयार की जाती है। यह अपनी ब्यूटीफुल आई कैचिंग ज्योमेट्रिकल पैटर्न की एक अनोखी विशेषता मानी जाती है। मधुबनी पेंटिंग ट्रेडिशनली इंडियन सबकॉन्टिनेंट के मिथिला रीजन के औरतों द्वारा बनाई गई थी। इस पेंटिंग की उत्पत्ति स्टार्टिंग बिहार के मिथिला क्षेत्र के मधुबनी जिले से हुई है। पहले ये पेंटिंग्स चित्रकलाएं सिर्फ रंगोली के तौर पर दिखाई देती या फिर कच्चे मकानों पर बनाई जाती थी। धीरे धीरे आगे चलकर कच्ची दीवारों से ये कपड़ों और कागजों पर बनाई जाने लगी, जिससे इसे इंटरनेशनल भी पहचान मिली। और जहाँ पर भी इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट किया जाता है, वहाँ पर इसकी झलकियाँ ज़रूर दिखती हैं। जैसे कि हर साल लगने वाला सूरजकुंड का मेला, जो कि फरीदाबाद में लगता है, वहाँ पर भी इसकी कृतियाँ देखने को मिलती हैं। लोग बताते हैं कि इस चित्रकला की शुरुआत रामायण युग में हुई थी। कहा जाता है कि भगवान राम और सीता की विवाह के दौरान राजा जनक ने मिथिला की महिलाओं को घरों की दीवारों और आंगनों को पेंटिंग से सजाने के लिए कहा था और कहा कि इन पेंटिंग्स में मिथिला की संस्कृति दिखनी चाहिए, ताकि जो लोग अयोध्या से आए उन्हें पता चल सके कि मिथिला की संस्कृति कितनी महान है। ये पेंटिंग 1950 तक एक लोक कला के रूप में ही रही। इसके बाद इसे ग्लोबली रिकग्नाइज पहचाना गया। दरअसल 1934 में एक भूकंप आया मिथिलांचल में। इतना दुर्घटना भरी स्थिति को देखने विलियम आर्चर पहुंचे। ये ब्रिटिश ऑफिसर थे। इन्होंने जब वहाँ पे ये सब उम्दा पेंटिंग्स देखी तो उनकी तस्वीरें ली। बाद में जाके 1949 में विलियम आर्चर ने एक आर्टिकल लिखा, जिस आर्टिकल का नाम मार्क था। उस आर्टिकल में उन्होंने उन पेंटिंग्स की तुलना मीरो और पिकासो से की। कुछ इसी तरह से ही ये कारण बनी इसकी इंटरनेशनल पहचान की और इसको ऑफिशियली रिकग्निशन मिली। इन पेंटिंग्स को ऑफिशियली रिकग्निशन मिली जब बिहार की गवर्नमेंट ने सीता देवी को स्टेट अवार्ड से नवाजा। जिठवाड़ विलेज की ममता देवी को भी नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। कई और उम्दा आर्टिस्ट को भी पद्मश्री से नवाजा गया, सम्मान दिया गया, जैसे कि गोदावरी दत्ता, गंगा देवी, सीता देवी। रिसेंटली रामचंद्र मांझी और दुलारी देवी, इन्हें भी पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली बार मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय। मैं हूँ तारा और आप देख रहे थे मेरा वाला शो।